नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बबलू कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीजे बबलू राज को। तो फ्रेंड्स, आप भी चाहते हैं इस तरह का व्हाट्सअप स्टेटस बनाना तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, ठीक है। और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा जिस एप्लीकेशन का नाम है एवी प्लेयर। अगर आपके पास एवी प्लेयर नहीं है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं, प्रो वर्जन है बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा एवी प्लेयर। एवी प्लेयर को डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना होगा, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इस डॉट पर यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल नीचे करते हुए आना, ठीक है। जब यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा लोड फॉर्म फाइल, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ये आप टेम्पलेट जो है विजुलाइजर, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं इस विजुलाइजर को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐड करने के बाद यहाँ पर आ चुका है एक डब्बा और खुल के, ठीक है। उसके बाद हम आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इमेज बैकग्राउंड लगाना है, तो इमेज बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इमेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कस्टम इमेज और यहाँ पे पिक इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके हम ये बैकग्राउंड हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको जनरल में क्लिक करना होगा ऊपर और इसको इनेबल कर देना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इनेबल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेज के नीचे एक और इमेज है, ठीक है, मिरर इफेक्ट और इमेज, और इमेज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्यूटीफुल PNG, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर इमेज पर क्लिक करना होगा और कस्टम इमेज और पिक इमेज जिस प्रकार से मैंने उसमें लगाया था उसी प्रकार से सेम इसमें भी लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमको ये ब्यूटीफुल PNG जो है इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको जनरल पे क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। तो ये नीचे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है जो दिल PNG पार्टिकल में आपको क्या करना होगा, पार्टिकल पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर अपीयरेंस पर क्लिक करना होगा और फिर सेम प्रोसेस है कस्टम इमेज और पिक इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। चलिए हम जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ लाइट इफेक्ट 1, तो यहाँ पे हमको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमेज पे क्लिक कर देते हैं और फिर कस्टम इमेज और पिक इमेज, और यहाँ पर मैं ये लाइट इफेक्ट देख रखा हूँ, इसको ले लेना है, ओके। इसको लेने के बाद यहाँ पर आपको जनरल पर क्लिक कर लेना है और इसको इनेबल कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरफ का चलना स्टार्ट हो गया और सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, ठीक है। तो ये सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लाइब्रेरी पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप जो गाना पे बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, तो मैं सिंपली यही सॉन्ग को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो आप चाहें तो जो जिसमें बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, और इसको ऐसे करेंगे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा ये डाउनलोड का ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको साइज दे देना है, जो भी साइज देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप साइज दे सकते हैं। तो मैं 720p दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये सॉन्ग जो है एक्सपोर्ट हो जाएगा और आप इसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि हमारी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।